सप्पल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस मौके पर जुड़े हैं जब बिल्कुल बहुमत पर पहुंची है कांग्रेस। मुबारक हो सप्पल साहब। शुक्रिया शुक्रिया किशोर जी। सप्पल साहब बता दें, कांग्रेस के बड़े नेता आपने देखा होगा, लेकिन खड़गे जी के बहुत खास हैं। अब बताइए यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सीधा सवाल। मुख्यमंत्री का सवाल, एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए। आ गया रिजल्ट, आ गया, बन गई। अभी पूरा नहीं आया है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद तय होगा। इसका जवाब ना आज मैं दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। ये फिर वैसा हो जाएगा कि अब हम कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ते हैं, पर अब तो कांग्रेस अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, पहले तो आप सोनिया गांधी पर छोड़ देते थे। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, कोई भी हो, पद की गरिमा है, पद डिसाइड करता है और सबके साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड होता है। पहले भी जब सोनिया जी थी तब भी सबके साथ बातचीत करके फैसला होता था, अब भी सबके साथ बातचीत करके फैसला होगा। एक चीज, जो एक सवाल, जो कि आपकी पार्टी ऐसा जो ये आंकड़े देखकर लग रहा है कि पार्टी आपकी काफी आगे थी, आगे होती, बेंगलुरु शहर में कुछ सीटों का, 5-7 सीटों का नुकसान हुआ और प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ उस नुकसान ने पार्टी को बिल्कुल जो बहुमत के आंकड़े के क्रॉस तो करा दिया, लेकिन वो कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं दी जो कि कंफर्टेबल हो जाती, ये मानते हैं आप? देखिए जब फाइनल रिजल्ट आएगा किशोर जी, आप देखेंगे हम इससे आगे जाएंगे। अब समस्या क्या है कि हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो उस माहौल में लड़ते हैं जब पूरा मीडिया केवल प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द घूमता है। अब आप देखिए, आज सुबह मैं सारे चैनल देख रहा था, लगभग सारे चैनलों ने, आपके चैनल को मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं था सुबह, लगभग हर चैनल ने कहा कि प्रियंका खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे हैं वो पीछे चल रहे थे। मैंने जब राउंड वाइज देखा है, हम तो कम्युनिकेट यहाँ पे काउंटिंग सेंटर से आ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप बेंगलुरु में खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट पे देखेंगे तो वो एक भी राउंड में पीछे नहीं है। अभी किसके कहने पे ये खबर सारे चैनल में चली कि प्रियंका खड़गे चुनाव हार रहे हैं? इसी तरह से अगर आप देखेंगे 2019 में तो मोदी जी की लहर थी, कितने परसेंट वोट आए थे उनको? 37%। 37% वोट पे पूरा मीडिया मोदी जी की लहर दिखाता था, आज हमें 43% है। अच्छा, आज हमारी लहर की बात नहीं की गई चुनाव के पहले। आप नहीं तो अभी देखिए, अभी आप बहुमत का आंकड़ा जरूर क्रॉस किया, अभी लहर इसलिए नहीं कहेंगे, बहुमत का आंकड़ा जरूर क्रॉस किया। 43% वोट पाना लहर नहीं है। नहीं तो 33% पे मोदी जी की लहर कैसे आप बताते थे सारे चैनल? आप नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए कि अभी तो आंकड़े आ रहे हैं, धीरे 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 करके आपने बहुमत को क्रॉस किया, 116 पर पहुंचे हैं। वोट तो 43% है, वोट का आंकड़ा नहीं। हम ये भी, और हम ये बड़ी बात जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, एक तो तटीय कर्नाटक जहां बीजेपी को उम्मीद थी वोट बढ़ेंगे, वो उस तरह से नहीं बढ़े, आपको फायदा हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, बेंगलुरु शहर में जो थोड़ा सा नुकसान हुआ उस पर क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 120-130 उस पर पहुंच जाता जो आप क्लेम कर रहे थे, ये बेंगलुरु में नुकसान देगा रोड शो? देखिए हमारा जो पूरा इंटरनल आकलन है वो शुरू से ही 116-118 के आसपास था, कहते तो 140 थे। देखिए चुनाव के अंदर हम दावा अलग अलग करते हैं कि बहुत सारी सीटें जो क्लोज सीट होती है उसको भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना श्योर था? हमारा इतना श्योर था, हमारे अपनी जो उम्मीद थी उस पर हमारी पार्टी खरी उतरी है। कोस्टल एरिया के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया बजरंग बली जी का, जो कि बिल्कुल गलत था। आज तो शनिवार है, बजरंग बली का दिन है, आज बजरंग बली जी उन्हें वहां हरा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? तो सवाल यह है कि हम किस माहौल में चुनाव लड़ रहे थे कि पूरे मीडिया ने एक बार मुड़ के नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि बजरंग दल के ऊपर बैन को आपने बजरंग बली के ऊपर बैन कैसे बना दिया? एक सवाल नहीं पूछा गया, और ये जवाब जनता दे रही है आज। ये मीडिया ने नहीं दिया, ये बीजेपी ने नहीं दिया, ये जनता जवाब दे रही है। और इसलिए आप चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, मीडिया के खिलाफ लड़ रहे थे? मीडिया हमारे खिलाफ लड़ रही थी, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आप ये बताइए कि अब तो आप जीत रहे हैं, अब तो अब यहाँ पर आपकी सरकार होगी, बिल्कुल होगी, है ना? तो अभी भी आप ये कहेंगे कि मीडिया जो है वो आपके खिलाफ लड़ेगा? मीडिया हमारी जहां जहां सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है देखिए कैसे खिलाफ लड़ता है, राजस्थान में सरकार है कैसे खिलाफ लड़ता है, पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी मीडिया वाले ने आवाज उठाई कि सारी ईडी रेड कांग्रेस के लोगों पे क्यों है, भारतीय जनता पार्टी के घोटाले कहां गए? मीडिया नहीं बात करता ना। ये देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मुद्दा आप मीडिया पे इसलिए गया क्योंकि हमको तकलीफ होती है। पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ बात हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बोली, जो कांग्रेस आरोप उठाती थी वो मीडिया से गायब थे। जो कांग्रेस के मुद्दे थे, जो जनता के हम मुद्दे उठा रहे थे कि भैया महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, इस बात को सिरे से गायब कर दिया गया। इसके बावजूद हम जीत रहे हैं क्योंकि पब्लिक साथ है हमारे, पब्लिक ने वोट दिया। हर बार आपने ये मुद्दे उठाए हैं, हर बार तो जीत नहीं हुई है, बहुत समय बाद जीत हुई है, हिमाचल के बाद ये जीत हुई है, उस हिमाचल जब जीत हुई थी उस वक्त भी गुजरात में ऐसी बहुत बुरी तरह हार हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार मुद्दे उठाते हैं और कोई दिखाता नहीं है और इसलिए फिर भी आप
जीत जाती है, तो इस बार हुआ है ना, तो इस बार ये हो रहा है कि 9 साल के बाद जनता त्रस्त है। 9 साल में बीजेपी ने जिस तरह, आपने 9 साल की बात की, आप मुझे बताइए 2024 यहाँ से 2024 जो अब सवाल उठेगा, यहाँ से 2024 में विपक्ष का एकजुट होने की बात हो रही है, अब इस जीत के बाद कांग्रेस उस एकजुटता की, उस गठबंधन की अगुवाई पर दावेदारी ठोकेगी? दावेदारी ठोकने का सवाल ही नहीं है। आपको याद होगा पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष की यहाँ मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जी थे, राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी जी थे, उस मीटिंग के अंदर एक रोड मैप तैयार हुआ था जिसके तहत नीतीश जी ने उन लोगों से मुलाकात की है, उन नेताओं से जो कांग्रेस के साथ नहीं है, जिसमें ममता जी भी हैं, जिसमें नवीन पटनायक जी हैं, जिसमें वाईएसआर रेड्डी हैं, जिसमें केसीआर हैं, और इन सबको साथ लेकर हमारा पहले से उस मीटिंग में तय हो गया था कि पूरे विपक्ष की एक मीटिंग कर्नाटक का चुनाव के बाद पटना में होगी, वो जल्दी ही देश के सामने वो डेट आएगी, पूरा देश का उसमें यूपी के पक्ष में होंगे, उसमें अखिलेश जी भी होंगे, अखिलेश जी से भी बात नीतीश जी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी भी हमारे पार्टनर नहीं है, जो कांग्रेस के पार्टनर हैं उनसे कांग्रेस ने बात की है, जो कांग्रेस के पार्टनर नहीं है उनसे नीतीश जी बात कर रहे हैं, और सारे दल मिलकर पटना के अंदर मीटिंग करेंगे। हम केवल कर्नाटक का चुनाव के रिजल्ट की वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था हम जीत रहे हैं, और इस जीत को अब 2024 तक कैसे लेकर जाएंगे ये सब मिलकर तय करेंगे। मैंने इसलिए अखिलेश जी की बात की क्योंकि यूपी 80 सीटें हैं, और वहां आज जो निकाय चुनाव हुए हैं वो फिर दिखा रहे हैं कि वहां जिस तरह से स्वीप है वो बरकरार बनी हुई है, आपका जनाधार अभी भी वहां बहुत कमजोर बना हुआ है, अगर वहां पे विपक्ष को कुछ करना है तो अखिलेश जी के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए पूरे देश के अंदर विपक्ष को एक करने की बात करें, केवल यूपी नहीं, क्योंकि अगर हमको इस पूरे जो पैसे का तंत्र है, जो मीडिया का तंत्र है, और जो संस्थाओं के दुरुपयोग का तंत्र है, एजेंसीज के दुरुपयोग का तंत्र है, उससे लड़ना है तो कोई पार्टी भी अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगी, सारी पार्टी एक होकर हर राज्य में एक होकर लड़ेंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे, जीत का श्रेय सिद्धरमैया जी को नहीं जाता, उनके चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ा गया? जीत का श्रेय जो है कांग्रेस के हर नेता को जाएगा, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी जिन्होंने किया कैंपेन, सिद्धरमैया जी जिन्होंने इतना कैंपेन किया, डीके शिवकुमार जी ने किया, आप एक को चुनेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे, बस फर्क यह है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही बनाना पड़ेगा ना, तो मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री भी होगा, फिर तो एक होगा, लेकिन पार्टी तो कांग्रेस होगी जिसके सारे नेता होंगे। जब सारे नेता कलेक्टिवली चुनाव लड़े हैं तो चुनाव के बाद जो हमारी सत्ता है उसको भी कलेक्टिवली हम लोग चलाएंगे। मुख्यमंत्री एक होगा लेकिन पार्टी यूनाइटेड है, पार्टी इकट्ठे है। इस चुनाव के अंदर मीडिया को मैं फिर से बात ला रहा हूँ, सबसे बड़ी आपत्ति यही रही, कि वो चाहते थे कि लड़ाई दिखाई जाए, ढूंढ के भी लड़ाई नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, बात जीत के बाद हमारी अच्छा एंजॉय करने दीजिए, आप एंजॉय, आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बेंगलुरु में आप यहाँ के व्यंजन एंजॉय कीजिए, लेकिन वो लड़ाई की बात इसलिए की जाती है क्योंकि सर एग्जांपल तो आप ही की पार्टी देती है ना। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत आप ही की पार्टी के हैं, लड़ रहे हैं आपस में। टी एस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में जो अनबन है वो आप ही की पार्टी के दिखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के बीच में जो अनबन हुई है दिग्विजय सिंह जी के साथ, वो आपने ही अपनी पार्टी में देखी, तो इसलिए सवाल उठते, सवाल गलत इसलिए उठते हैं कि हमारी पार्टी की अनबन तो आपको दिख गई भारतीय। अच्छा, अब ये है कि उधर की नहीं दिखी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उनके पुराने सीएम, उनके पुराने डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ गए, उनके सिटिंग एमएलसी एमएलए पार्टी 10 छोड़ गए, वो नहीं दिखी, हमारी ढूंढ ढूंढ के दिख गई राजस्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट अबाउटरी। नहीं नहीं, व्हाट अबाउटरी नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर आप हमारी पार्टी की बात करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उसको साथ रख के दिखाना चाहिए, हमको कोई आपसे आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, आप हमारे बुलेटिन का रनडाउन जरूर तय कर लीजिए, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप अपना मुख्यमंत्री कब तय करेंगे। मैं मीडिया से हूँ तो रनडाउन तय करने की, क्योंकि जब आप मीडिया में थे आपने रनडाउन तय किया, लेकिन पार्टी में रहकर रनडाउन नहीं तय कर रहे। बार बार हम ये कह रहे हैं आज रिजल्ट आ जाने दीजिए, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में सबसे बातचीत होती है और फिर सबके कंसल्टेशन से सलाह से पार्टी का हाईकमांड तय करता है। पार्टी का हाईकमांड यह भी तय करेगा, आप तय मानिए, आप ये तय मानिए कि हमारी सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो गया कि कांग्रेस वाले अभी से जो जीते हुए जो उम्मीदवार है उनको शाम तक बेंगलोर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विधायक दल की बैठक के लिए हम उनको यहाँ नहीं लाएंगे तो क्या कहीं और कराएंगे? नहीं, इतना क्या डर हो रहा है अभी? नहीं, ये भाई भाई की लड़ाई नहीं है कांग्रेस में, लड़ाई नहीं है। जब आपको देख रहा है पूरा चुनाव एकजुट होकर लड़ा गया, एक इंस्टेंस बताइए पूरे कैंपेन के अंदर। मैं बताऊंगा ना, फिर आप कहोगे जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। वो तो देखिए सच यही है क्योंकि आप सिर्फ हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज जवाब हम देंगे क्योंकि हम जीते हैं। स्पष्ट है कि हमारा कैंपेन यूनाइटेड कैंपेन था, हमारा कैंपेन बावजूद इसके था कि एजेंसीज ने पिछले 3 साल से हमको दुखी करके रखा, बावजूद इसके था कि हमको मीडिया का सपोर्ट नहीं है, बावजूद इसके कि हमारे ऐड तक को
इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिए, जो एड इलेक्शन कमीशन को पहले जाता है उसकी परमिशन के लिए, उसके बाद छपता है, यही रूल है ना देश के अंदर। आप कोई भी विज्ञापन छापते हैं इलेक्शन में, पहले एक प्रति एडवांस इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। ये इसके बावजूद हमको एड के पे नोटिस दिया गया, जबकि तीन दिन पहले बीजेपी का एड छपा था जिसपे कांग्रेस ने आपत्ति की, तो इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न में हमको ये दिया था कि इलेक्शन कमीशन एड के ऊपर प्री डिसीजन नहीं लेता है, हम इस पे कोई फैसला नहीं लेते हैं। बीजेपी के मामले में ये बोला, हमारे मामले में नोटिस समा दिया, तो इसके बावजूद हमने चुनाव लड़ा, इसके बावजूद जीता है। तो और इस 13 मई का इंतजार कांग्रेस इसलिए कर रही थी कि जो सारी शिकायतों की लिस्ट है वो अब जनता के सामने लाएगी कि हमारे साथ ये हुआ। फिर भी शिकायतों की नहीं, हमने जनता के सामने शिकायतों के दम पर चुनाव नहीं लड़ा है, हमने जनता के सामने ये लड़ा है कि बीजेपी ने क्या नहीं किया और हम क्या करेंगे, और हम जो करेंगे उसके साथ जनता खड़ी हुई है। हमने पूरे चुनाव में एक भी नफरती बात नहीं की, हमने पूरे चुनाव में बांटने वाली एक भी बात नहीं की, हमने पूरे चुनाव में जवाबदेही अपने कामों की दी और बीजेपी ने एक भी अपने काम की जवाबदेही नहीं दी। प्रधानमंत्री जी के एक भी भाषण में एक भी चीज बताइए कर्नाटक में क्या किया इसका उन्होंने रिकॉर्ड दिया हो, केवल नफरत नफरत और नफरत, उसके खिलाफ जनता जीती ने जिताया।